हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवि। तो फ्रेंड्स, आज के दिन हम वही चैलेंज सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे आप लोगों के जो आपने किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, और वहां से हम कुछ चैलेंजेस पिक करेंगे रैंडमली, मतलब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उन चैलेंजेस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, अगर आपके चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाता हूं तो यार आपको मिलेगा शून्य, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं कंप्लीट कर पाता हूं देन यू विल गेट $100। जी हाँ, स्ट्रेट $100 सीधा के सीधा आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो क्या करना है आपको, पार्टिसिपेट अगर करना है इस चैलेंज सीरीज के दौरान, तो आपको जस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, एक कमेंट करना है, और कमेंट में आपको बताना है क्या एक ऐसा चैलेंज है जो आप मुझे देना चाहते हैं। बट यार चैलेंज जो होगा ना वो रिलेटेबल देना, मतलब ऐसा चैलेंज देना जो मैं पूरा कर पाऊं, या जिसके पूरा करने की संभावनाएं हो। पूरा कर पाऊं नहीं, मतलब नहीं भी कर पाऊं बट पूरा करने की एटलीस्ट संभावनाएं हो। आप लोग बोल दोगे $1 से ट्रेड करो $1,000 बना दो, वो पॉसिबल नहीं है भाई, कोई भी नहीं कर सकता वो। बट आप थोड़ा ऐसे चैलेंज दो जो 5 या 10 मिनट में फिनिश हो जाए, तो वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग बनती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए, तो अभी सब्सक्राइब कर दो फॉर $100। एंड डिस्क्रिप्शन में जाओगे सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी कंप्लेन हो तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं आज की चैलेंजिंग जर्नी, और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली। मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ जब भी चैलेंज सीरीज आती है, क्योंकि या तो मतलब जीतना हारना ठीक है, बट बहुत ज्यादा फन होता है। तो आज के जो फर्स्ट चैलेंजर है उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही हमारा जो क्या तरीका है, जो भी प्रीवियस वीडियोस है उसका लिंक कॉपी करके जो वेबसाइट है रैंडम कमेंट पिकर, वहां पे पेस्ट करना होता है, एंड नीचे जो दिया हुआ स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करके हमारे सामने चैलेंजर्स आ जाते हैं, रैंडमली पिक हुए चैलेंजर। तो आज के दिन हमारे जो फर्स्ट चैलेंजर है वो है करीम अहमद 786। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन करीम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हमारे चैलेंजर हैं आज के दिन के। और आपका चैलेंज क्या है वो देख लेते हैं। तो यार आपका जो चैलेंज है वो ये है कि हेलो सर, प्लेस 5 trades of 15 seconds। कंडीशन ये है कि 4 trade ITM होनी चाहिए 5 trades में से। थैंक यू। जी हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि 15 सेकेंड्स की ट्रेडिंग करो और 4 ITM करो। ठीक है यार, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो यार 15 सेकंड्स की ट्रेडिंग करने के लिए आपको पता ही है हमें क्विकलर पे जाना पड़ेगा, या तो हम कोई भी कमोडिटी इंडेक्स पे जा सकते हैं। तो यहां पे देखो, मैं 1 मिनट का जो है इसको मैं 15 सेकंड्स कर देता हूं। ठीक है, ये लीजिए, ये 15 सेकंड्स की अभी फिलहाल कैंडल्स हो चुकी हैं। अब उन्होंने कहा है कि 5 ट्रेड्स लेनी है, तो मैं $500 नहीं वेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ $10 वेस्ट करूंगा एक ट्रेड के ऊपर, नियर बाय 700 रुपीज तो चलेगा। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि हमारी फर्स्ट ट्रेड हम लेते हैं। पहले तो यार कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर सकता 15 सेकंड्स में, तो क्या ही स्ट्रैटेजी यूज करें। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं यार जो मतलब बोलते हैं पहले चलो मैं फर्स्ट ट्रेड लगा देता हूँ, फिर हम मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो मैंने देखो फर्स्ट ट्रेड लगा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में $10 की, आप जूम करके देख सकते हैं। तो देखो यार होता क्या है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार आप जो कभी चैलेंज करते हो या कभी कोई वीडियो बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो या कुछ भी आप करते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते, कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैं यार उन लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई ऐसा नहीं होता कि हर बार आप स्ट्रैटेजी यूज करें। 15 सेकंड्स की आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप स्ट्रैटेजी यूज करो और स्ट्रैटेजी काम आ जाए, ऐसा नहीं होता है। 15 सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, कई बार 1 मिनट में भी कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है। वहां पे जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेसिस पे ट्रेड करना पड़ता है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉमेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फालतू की वीडियोज बनाते हैं ऑन दिस की विदाउट स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग, ऐसा नहीं होता भाई। हर चीज अपने तरीके से करनी जरूरी होती है। अब देखेंगे ट्रेड जो है वो चल रही है और अभी तक पॉजिटिव ही है। तो करीम जी, यार करीम से मेरे को याद आ रहा है वो एक सीरीज आई थी सोनी पे, आई थिंक
अब्दुल करीम तेलगी शायद, राइट, बहुत अच्छी थी सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट ट्रेड है वो आईटीएम हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड ट्रेड की तरफ। मैंने सेकंड ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन $10। और हम क्या करते हैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अदरवाइज यार वो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा ये वीडियो देखना। और मैं तो बोलता रहूंगा, आपको पता है यार, मेरे को मतलब जब जितना भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का जितना भी टाइम मिलता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो कम ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत लोग गलतियां करते हैं, जो ऑफकोर्स मैं सुधार तो नहीं सकता, बट एक आपको एडवाइस जरूर दे सकता हूँ कि ये चीज करते हुए ध्यान रखें। ओके, चलिए तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, मिलते हैं इस ट्रेड की फिनिशिंग लाइन पे। यार एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मतलब जो करीम जी है ना, उन्होंने जो चैलेंज दिया था, एक्चुअली वो 15 सेकंड्स के ग्राफ पे चैलेंज नहीं था, वो 15 सेकंड की ट्रेड पे चैलेंज था। मतलब हमें 15 सेकंड की ट्रेडिंग यहाँ पे करनी थी, 15 सेकंड, ये देखो यहाँ पे, मतलब मैंने क्या कर दिया, गलती से 15 सेकंड्स की ट्रेडिंग की जगह 15 सेकंड का जो चार्ट है वो सेलेक्ट कर लिया। मतलब मुझसे गलती हो गई, और कई बार ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है, और ये चीज़ मुझे तो रियलाइज भी नहीं हुई, मेरी जो टीम है उन्होंने ये चीज़ बताई कि आप ये थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं तो इसको सुधारिए। तो ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, वो ट्रेड्स जो ली हैं वो ठीक है, अब फिर से ये चैलेंज शुरू करते हैं। मैं मुझे पता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी यार, थोड़ा वीडियो आपने देखा, बट ऑफकोर्स यार 15 सेकंड की ट्रेड है तो जल्दी ही फिनिश हो जाएगा चैलेंज, या तो कंप्लीट होगा या तो नहीं होगा कंप्लीट, हो जाती है कई बार ऐसी मिस्टेक्स। तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले ली है, फर्स्ट ट्रेड हमारी $10 के लिए कॉल के लिए, ठीक है। अब हमारी पहली जो ट्रेड है वो लॉस हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू हिम हमारी 5 में से एक ट्रेड हम लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, 4 हमको प्रॉफिट चाहिए। तो मैं एक और ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप $10 की, एंड देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये हमारी ITM जाती है तो हमारा चैलेंज कंटिन्यू रहेगा, ये हमारी OTM जाती है तो हमारा चैलेंज यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारे पास काफ़ी कम समय बचा है। ओहो, ये ट्रेड लॉस हो चुकी है, और इसी के साथ करीम आप ये चैलेंज जीतते हैं, एंड यू आर द फर्स्ट चैलेंजर आज के दिन ये जिन्होंने ये चैलेंज जीता है। You will get straight through $100. करना क्या है, आपने जहां पे मुझे कॉन्टेक्ट किया था पहले करते होंगे, या फिर टेलीग्राम पे, मैं सिंपली बताऊं, अगर आपने मुझे कभी मैसेज नहीं किया टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एंड यू विल गेट स्ट्रेट थ्रू $100। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। अब क्या करते हैं, हमारे सेकंड चैलेंजर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखते हैं कि हम दूसरा चैलेंज आज के दिन ले सकते हैं, वीडियो उतनी भी लंबी नहीं हुई है। Let's take another challenge. आप में से किसी का भी नंबर आ सकता है सेकंड चैलेंज के लिए, तो be excited and wait and watch. So हमारे चैलेंजर नंबर 2 है किरण यादव 1998. Congratulations, आप है हमारे सेकंड चैलेंजर आज के दिन के। और आपका चैलेंज क्या है? तो my चैलेंज is you have to take a 4 trade on GBP USD with Hekinashi candle. Okay, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, something different, and 3 should be ITM. मतलब according to him, अब की बार मैं ठीक से मैसेज पढ़ूंगा, पिछली बार थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो सर चैलेंज तो आप, इनका चैलेंज सिंपल है, GBP USD पे ट्रेड करनी है, 4 ट्रेड करनी है, हेकिनेशी कैंडल का जो है वो पैटर्न होना चाहिए, एंड 3 ITM होनी चाहिए। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले इनके अकॉर्डिंगली हम पेयर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं GBP USD। अब इन्होंने बोला है कैंडल स्टिक भी चेंज होनी चाहिए, तो हम हेकिनेशी, ओके ये तो बार्स हो गए, हम हेकिनेशी सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके ये हेकिनेशी हो गया। अब इसमें मैं 15 सेकंड्स को एक बार के लिए 1 मिनट कर देता हूँ। इन्होंने बोला है अब हमको कितनी ट्रेड लेनी है, 4 ट्रेड लेनी है, 3 ITM होनी चाहिए, करेक्ट है। तो हम हमारी पहली ट्रेड जो है वो प्लेस कर रहे हैं $10। आपकी स्क्रीन पे आपके सामने ही तो है, फॉर श्योर देखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, एंड इसको थोड़ा सा भगाते हैं आगे, एंड मिलते हैं। तो हमारी फर्स्ट ट्रेड ITM हो चुकी है, अब हम बढ़ेंगे हमारी सेकंड ट्रेड की तरफ। ट्रेड आपके सामने क्यों लगाई मैंने, इसके पीछे रीजन मैं बहुत बार दे चुका हूं, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है FTD ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के नाम पे, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि मैं हर बार वो रीजन नहीं बता सकता कि मैंने क्यों ट्रेड प्लेस करी है, हर बार रीजन बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स सी ट्रेड का क्या होता है, एंड अगेन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, वो मैं करूंगा, आप स्क्रीन पे ही रहिए। तो हमारी जो दूसरी ट्रेड है वो भी ITM यहाँ पे है,
अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी ट्रेड की तरफ एंड ये है हमारी तीसरी ट्रेड कॉल की डायरेक्शन में $10 और आज की इस चैलेंज की तीसरी ट्रेड है, मतलब दूसरे चैलेंज की तीसरी ट्रेड है। दो ITM है, एक और ITM होती है एंड देन एक OTM हमें चाहिए, तो लेट्स सी। तो ये हमारी तीसरी ट्रेड आज के इस चैलेंज की ITM हो चुकी है। अब हमारे पास एक ट्रेड बची है जो उन्होंने बोला है OTM होना चाहिए, तीन ITM होना चाहिए कम से कम और एक OTM होना चाहिए। तो भाई मैं पूरा देखते यार, मतलब OTM लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर लेट्स सी, ट्राई करता हूँ जैसा मेरा जो है पूरा उल्टा करने की कोशिश करता हूँ और क्या पता कि OTM आ ही जाए। तो अब नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में $10 आपकी स्क्रीन पे, और अगेन मैं थोड़ा सा को फास्ट फॉरवर्ड करूंगा ताकि आपको ना वीडियो बोरिंग ना लगे। सही में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील हो रहा है, अगर मैं चाहता ही नहीं हूँ ये ITM वो ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब ये फिर भी ITM जा रही है। देखो मैं चाहता ही नहीं हूँ, ये देखो मतलब अगर ये ITM गई तो मैं चैलेंज हार जाऊँगा, बट ये कितनी बड़ी ITM जा रही है और मतलब मैं चाह रहा था एक एटलीस्ट ये ट्रेड OTM चली जाए, बट ये भी ITM चली गई एंड इसी के साथ मैं ये चैलेंज हार चुका हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, किरण जी कॉन्ग्रेचुलेशन, You will get $100, but यहाँ से दर्द होता है भाई, दुखता है थोड़ा, नहीं मजाक कर रहा हूँ। You will get $100 for free because आपने चैलेंज जीता है। तो आज के दो चैलेंज मैंने लिए और दोनों के दोनों चैलेंज में हार चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं आज हारने की। तो हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंजेस के साथ, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए चैलेंजेस के साथ, नए चेहरे। आप बने रहिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे एंड कुछ भी रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।